मौजिज़ सामईन कराम, आप सुन रहे हैं दियारे उर्दू चैनल पर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन की किताब शिकस्ते आरज़ू जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ। तीसरा बाब, सब हेडिंग, चारों तरफ बगावत और इंतशार। खाना जंगी के दौरान भारत चले जाने वाले दानिश्वरों, असातजा, तुलबा, सहाफ़ियों, डॉक्टरों और इंजीनियर्स ने जनवरी के वस्त तक वतन वापसी शुरू कर दी। उनमें चिटागांव यूनिवर्सिटी में शोभा बंगाली के सरबरा डॉक्टर अली एहसन और डॉक्टर ए आर मलिक भी शामिल थे। ये दोनों मेरे दोस्त थे और अली एहसन तो मेरे कज़न भी थे और उनकी परवरिश मेरे साथ ही हुई थी। उनमें से किसी ने भी मेरे बारे में पूछने या मुझसे मिलने की जहमत गवारा नहीं की। आखिर हम खाना जंगी के दौरान दो मुख्तलिफ किनारों पर जो रहे थे। मुझे बताया गया था कि प्रोफेसर अली एहसन ने कलकत्ता में रेडियो की नशरियात के दौरान मेरी ज़ात को भी तनकीद का निशाना बनाया था। मुझे जिस बात से ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची वो ढाका वापसी पर उनका रवैया था। मुझे ये भी बताया गया कि उन्होंने बिला वजह, जबकि किसी ने उनसे मदद मांगी ही नहीं थी, ये भी कहा कि वो किसी भी गद्दार की मदद नहीं करेंगे। अली एहसन से मिलने के बाद मुझसे मुलाकात करने वाले एक साहब ने बताया कि मेरे मौजूदा बुरे हालात के लिए चंद अहबाब भी ज़िम्मेदार थे जिन्होंने मुझे गलत मशवरे दिए थे। उन्होंने जिन दोस्तों के नाम बताए उनसे मेरे करीबी ताल्लुकात थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोफेसर अली एहसन से थे। बाद में अंदाज़ा हुआ कि उन साहिब ने जो कहानी सुनाई थी वो सरासर झूठ थी। अगर मैं यकीन कर लेता तो मेरे वो तमाम दोस्त आज जेल में होते। दिगरगुन सियासी सूरत हाल में ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली सफ में रखने के लिए प्रोफेसर अली एहसन ने जो कुछ किया वो काबिल फ़हम तो था, मगर हाँ हैरत ज़रूर हुई। अली एहसन से मेरी आखिरी मुलाकात मार्च 1971 के अवाइल में नारायणगंज में उनके बरदर नस्बती अब्दुल अली के घर पर हुई। उन्हें अंदाज़ा था कि हालात ख़राब होते जा रहे हैं और साथ ही उनका यह भी ख्याल था कि यह सब पाकिस्तान के लिए किसी तौर सूदमंद नहीं होगा। वो बहुत शाते बात बात पर फिर जाने वाले और असूलों को खातिर में ना लाने वाले इंसान थे। वो कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम इन पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइज़र रह चुके थे। इस अमर की तस्दीक के बाद कि कांग्रेस की इस पाकिस्तानी शाख को CIA से फ़ंड मिलते हैं, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। ताहम अली एहसन ने बाएं बाजू की जमातों की मुखालफत के बावजूद अपने कॉज के लिए जद्दोजहद जारी रखी। ये अली एहसन ही थे जिन्होंने क़ियाम पाकिस्तान के फौरन बाद रविंद्र नाथ टैगोर पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया था। बाद में जब सूरत हाल बदली तो उन्होंने भी पलटा खाया और इस बात पर ज़ोर दिया कि मशरकी पाकिस्तान की तमाम जामियात पे बंगाली को तदरीस का ज़रिया बनाया जाए। सबको पता था कि वो किस समाज के इंसान थे और मैं भी जानता था उनके लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तमन्ना की जा सकती थी वो मुस्तकिल मिजाजी थी। उन्हें किसी भी मामले में मौकिफ़ और पैंतरे बदलने का हुनर आता था और हवा के रुख में किसी भी तब्दीली का वो पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते थे। मगर अपने माजी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देना और ये कहना कि मुत्तहिदा पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो सब कुछ गलत था, इंतहाई हैरत की बात थी। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था और ये भी जानता था कि उन्हें किसी भी असूल की कभी परवाह नहीं रही। फिर भी उनके इस तरह पलटा खाने से मुझे बहुत हैरत हुई। मेरी तारीख और नफ्सियात पर अच्छी नज़र है। मैं जानता हूँ कि बहरानी कैफियत पे लोग परेशानी और मुसीबत से बचने के लिए अपनी बात से फिर जाते हैं और दरोग गोई से काम लेते हैं। कभी वो होंठों पर चुपकी मोहर लगा लेते हैं, मगर बात बात पर चोला सिर्फ मौका परस्त और खुदगर्ज लोग ही बदलते हैं। वो जिस कश्ती में सवार होते हैं उसी में सुराख करते हैं। मुझे नहीं पता
कि वो किन हालात में फरार होकर भारत में पनाह लेने पर मजबूर हुए। मेरे ख्याल में उनके रिकॉर्ड में ऐसी कोई बात नहीं थी जो उन्हें पाकिस्तानी फौज के गैज़ो गज़ब का निशाना बनाती। तो क्या उन्होंने अपने वाइस चांसलर डॉक्टर ए आर मलिक की एमा पर भारत में पनाह ली थी और ये महसूस कर लिया था कि फौज खाना जंगी ख़त्म करने और मुल्क मुतहिदा रखने में कामयाब हो जाएगी? लोगों को अगरतला में हिजरत कर जाने की तहरीक और तरगीब देने वाले डॉक्टर ए आर मलिक इब्तदा ही से जहनी तौर पर अवामी लीग के साथ थे। बंगला कौम परस्ती के नशे में शूर डॉक्टर मलिक का ख्याल था कि बंगाल बाकी पाकिस्तान से यकसर मुख्तलिफ था और ये फ़र्क सकाफती सतह पर भी नुमाया था। मुझे याद है कि 1970 में कराची में एक मौका पर बहस व मुबाहसे के दौरान जब मैंने उन्हें पाकिस्तानी हुक्मरानों पर ताबड़तोड़ हमले करते देखा तो उनसे बराह रास्त पूछ बैठा कि क्या वो भी मुल्की तकसीम चाहते हैं। उन्होंने नफ़ी में जवाब दिया। पता नहीं कि उन्होंने ये जवाब इखलास से दिया था या फिर महज मुझे चक्कर देने की कोशिश की थी। गिले शिकवे एक तरफ, सच तो ये है और इस हकीकत से वो खुद भी इनकार नहीं कर सकते कि दूसरे हज़ारों बंगालियों की तरह उनका मौजूदा मकाम भी पाकिस्तान का ही मरहूने मिन्नत है। पाकिस्तान के बगैर वो एक आम से सिविल सर्वेंट की हैसियत से या फिर कॉलेज लेक्चरर के मनसब से रिटायर हो जाते, मगर अब वो वाइस चांसलर थे। अब उनके पास गहरा असर व रसूख और एक बुलंद समाजी हैसियत थी। मुतहिदा हिंदुस्तान में तो वो ये सब कुछ सोच भी नहीं सकते थे। जाहिर है हिंदुओं से बराह रास्त मसाबकत की सूरत में वो किसी काबिल ज़िक्र मकाम तक नहीं पहुंच सकते थे। अवामी लीग में अपने दोस्तों को पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ कुछ करने से बाज रहने की तहरीक देने के बजाय उन्होंने गैर मुल्की सरजमीन में रहकर पाकिस्तानी फोर्सेस और हकूमत के खिलाफ कुव्वत जमा करने का काम जारी रखा। क्या जवाल था, क्या अलमिया था और क्या बेसीरती थी! ये कैसे मुमकिन था कि तारीख का एक तालिब इलम जिसने 19वीं सदी में हिंदुओं के तसल्लुत में बंगाली मुसलमानों के हाल ज़ार के बारे में किताबें लिखी हों, वो इस बात पर ईमान ले आए कि पाकिस्तान से कटकर बंगाली मुसलमान भारतीय असर के तहत बेहतर मेयारे ज़िंदगी पा सकेंगे? डॉक्टर मलिक ऐसे इंसान नहीं थे जो माशियात या तारीख का इल्म ना रखते हों या जिनका मौकिफ अखबारी बयानात और नारों का नतीजा हो। फिर उन्होंने सब कुछ कैसे भुला दिया और वो अपनी तालीम और पस मंज़र के मुनाफी मौकफ कैसे इख्तियार कर गए? मैं ये सब कुछ समझ नहीं पाया। अली एहसन ने जिस नौयत का गैर दोस्ताना रवैया अपनाया था, वैसे ही डॉक्टर मुजफ्फर अहमद चौधरी ने भी इख्तियार किया। सकूते ढाका के बाद उन्हें ढाका यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया। ये तकरर तमाम कवायद जवाबित को बलाए ताक रख कर किया गया था। मुझे बरतरफ करने के रस्मी ऐलान की जहमत भी गवारा नहीं की गई। मुझे दरमियान से ऐसे हटाया गया कि जैसे मेरा वजूद ही नहीं था। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि जॉर्ज आरवेल ने अपने नावल 1984 में जो कुछ लिखा था वो आज अमली शक्ल भी इख्तियार कर गया था। सरकारी सतह पर ऐलान किया गया कि डॉक्टर मुजफ्फर अहमद चौधरी ने अबू सईद चौधरी से चार्ज ले लिया है, जबकि उन्होंने मार्च 1971 में आर्मी क्रैक टाउन से कबल ही इस्तीफ़ा दे दिया था। मैंने अपने साबिक साथी डॉक्टर मुजफ्फर अहमद चौधरी को ख़त लिखकर वाइस चांसलर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और लिखा कि मेरे अहले खाना को वाइस चांसलर की सरकारी रिहाइशगाह से तमाम सामान ले जाने की इजाज़त दे दी जाए। मुझे अपने ख़त का कोई जवाब नहीं मिला। मेरे अहले खाना से उजलत में रिहाइश खाली करा ली गई। फर्नीचर, बर्तन और किचन का दूसरा सामान वही रह गया और मैंने जो किताबें 35 बरस में जमा की थीं वो भी वहीं रह गईं। मेरे लिए इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता था? हद तो ये है कि मेरे अहले खाना ने डॉक्टर मुजफ्फर अहमद चौधरी से टेलीफोन पर रबता कायम करने की कोशिश की,
मगर उन्होंने बात ही नहीं की। जब मेरी बेटियां उनसे मिलने गईं, तो उनके सेक्रेटरी ने, जो जाहिर है मेरा मातहत भी रह चुका था, उन्हें मिलने नहीं दिया और इस मामले में अपनी बेबसी जाहिर की। ढाका यूनिवर्सिटी में सरकारी रिहाइश गाहों की देखभाल और मरम्मत पर मामूर इंजीनियर ने मेरे अहले खाना से पहले ही कह दिया था कि सामान की फहरिस्त बनाए बगैर कुछ भी नहीं ले जाया जा सकता। ये मामला तूल पकड़ता गया और इसी में 3 माह गुजर गए। जब डॉक्टर मुजफ्फर अहमद चौधरी 3 माह बाद नौकरी छोड़ने पर मजबूर हुए, तब कहीं जाकर सामान वापस मिल सका। ताहम बहुत सी चीज़ें जिनमें किताबें नुमाया थी अब भी वापस नहीं मिली। एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर आया और पूछने लगा कि क्या मैं वाइस चांसलर के पर्सनल सेक्रेटरी के किसी पिस्तौल के बारे में कुछ जानता हूँ। सेक्रेटरी हिंदुस्तान भाग गया था। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वाइस चांसलर के पर्सनल सेक्रेटरी ने एक बिस्तर बांधकर वाइस चांसलर ऑफिस के निगरान के हवाले किया था। उस वक्त तो किसी ने बिस्तर खोलकर देखने की जहमत ही गवारा नहीं की थी। हो सकता है कि बाद में किसी निगरान ने पिस्तौल ही गायब कर दिया हो। 16 दिसंबर के बाद जब सेक्रेटरी भारत में रूपोशी ख़त्म करके ढाका आया, तो उसने बिस्तर तलब किया और उसमें से पिस्तौल गायब पाया। शक की सुई उनकी तरफ गई, जो गद्दार समझे जाते थे। ताहम पुलिस इंस्पेक्टर समझदार आदमी था। उसने महज रस्मी खानापूरी के लिए मुझसे मुलाकात की थी। वो माजरत करके चला गया। मैंने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब भी कुछ लोग हैं जो किसी को गद्दारी के झूठे इल्ज़ाम के तहत मज़ीद मुश्किल से दो चार करने पर यकीन नहीं रखते। ढाका यूनिवर्सिटी के बाद दूसरे मुलाजमीन ने भी मुझे बहुत परेशान किया, बल्कि वो मेरी मुश्किलात में जानबूझकर इजाफा करते रहे। रजिस्ट्रार नूरुद्दीन भी उनमें से एक था। 17 या 18 दिसंबर को उसने मुझे टेलीफोन पर बताया कि उसने मेरी सरकारी रिहाइश गाह को, जिसे मैंने अपने अगवा से कबल 15 दिसंबर 1971 को उजलत में छोड़ा था, मुझसे पूछे बगैर ही भारतीय अफसरान के लिए मुख्तस कर दिया गया है। हालांकि रजिस्ट्रार को मालूम था कि हम अपना सामान वैसे ही छोड़कर निकले थे। उसने सामान की निगरानी का अहतमाम किया और ना कोई फहरिस्त बनवाई। जैसे ही उसे मालूम हुआ कि पाकिस्तानी फ़ौज ने हथियार डाल दिए हैं और अब मेरी पोजीशन ऐसी नहीं रही कि बहैसियत वाइस चांसलर वापस आ सकूं, उसने भारतीय फ़ौजी हुकाम की जानिब से दरख्वास्त मौसूल होते ही वाइस चांसलर की सरकारी रिहाइश गाह को उनके लिए मुख्तस कर दिया। हकीकत यह है कि भारतीय फ़ौजी अफसरान को कई दूसरी इमारात में ठहराया जा सकता था, और फिर ये कि फ़ोन करके मेरी मर्ज़ी मालूम करने से उसे किसने रोका था। मगर खैर, मुझे टेलीफोन करने का मतलब ये होता कि वो मुझे वाइस चांसलर तस्लीम कर रहा है, जबकि उसके जहन में ये बात घर कर चुकी थी कि मैं अब वाइस चांसलर नहीं रहा हूँ। नूरुद्दीन अगरचे उर्दू बोलने वालों में से था, ताहम हालात की नज़ाकत देखते हुए यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर का साथ देना शुरू कर दिया था। वो एक मामूली ग्रेजुएट था और पुलिस सर्विस से बरतरफ कर दिया गया था। इस शख्स ने यूनिवर्सिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार के मनसब तक सिर्फ ये कहने पर रसाई हासिल कर ली थी कि उसे पाकिस्तान मुखालिफ नज़रियात रखने की सज़ा दी जा रही है। यूनिवर्सिटी के बाएं बाजू के अनासिर की हमदर्दी हासिल करके उसने ऐसी फिजा तैयार की कि ज्यादती के अजाले के लिए उसे रजिस्ट्रार बना दिया गया। उस वक्त के वाइस चांसलर डॉक्टर MAO गनी उन लोगों को पसंद नहीं करते थे जो नूरुद्दीन को रजिस्ट्रार बनाना चाहते थे। उन्होंने अपना उम्मीदवार पेश किया, मगर वो इस मनसब के लिए मुंतखब नहीं हो सका। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए नूरुद्दीन को कायम मुकाम रजिस्ट्रार बना दिया गया। इस मामले को अखबार में इश्तिहार देकर नए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करने पर मौकूफ रखा गया। इसके बाद मैं वाइस चांसलर बनकर आया। मुझे इससे वफादारी की तवक्का नहीं थी। पाकिस्तानी फ़ौज के हथियार डालने के साथ ही नूरुद्दीन ने महसूस कर लिया कि अब मैं भी नहीं रहूँगा। चुनाचे उसने मुझे अजियत देने का सिलसिला शुरू कर दिया। जनवरी
1972 में जब मैंने अपनी तनख्वाह के लिए ढाका यूनिवर्सिटी से रब्ता किया तो रजिस्ट्रार नूरुद्दीन ने मुझे सिर्फ 19 दिसंबर 1971 तक की तनख्वाह दी। अदम वफादारी और दुश्मनी का जो भी मुजाहरा किया जा रहा था उसे बर्दाश्त करने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। नूरुद्दीन जैसे लोगों के नज़दीक मैं एक ऐसा इंसान था जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। मुझे मुस्तरद करने के सिवा वो और कर भी क्या सकते थे। 19 दिसंबर के हमले में मेरा बच निकलना ही एक ऐसा मोजज़ा था जिससे उन्हें बड़ी तकलीफ़ पहुंची थी। ऐसे लोगों से किसी भी बेहतरी की तवक्का रखना मेरे नज़दीक शेक्सपियर और दांते से सीखे हुए सबक से इनहराफ होता। वफादारी, मुस्तकिल मिजाजी और वसीउल नज़री जैसे आला औसाफ़ की हर शख्स से तवक्का नहीं रखी जा सकती। ये औसाफ़ हर एक में नहीं होते और गैर मामूली इंसानों में ही पाए जाते हैं। जब हम किसी की बेवफाई पर हैरत का इजहार करते हैं तो दरअसल इंसानी फितरत के बारे में अपने ही तसव्वुर से बगावत करते हुए उस शख्स को खामखा एहतराम देने की कोशिश करते हैं। किसी भी बेवफाई पर हैरत इस बात का इजहार है कि इससे हमें किसी न किसी सतह पर वफा की उम्मीद थी जबकि उसके मिजाज में ऐसा कोई भी वस्फ ना था जिसकी सरिश्त में वफा ना हो। उससे वफा की उम्मीद वाबस्ता रखना उसे बिला जवाज एहतराम देने के मुतरादिव था। जनवरी 1972 के दौरान ढाका यूनिवर्सिटी के उन असातिज़ा की वापसी शुरू हुई जिन्होंने खाना जंगी के दौरान जिला वतनी इख्तियार कर ली थी। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद चौधरी का जिक्र तो मैं कर ही चुका हूँ। दूसरे आने वालों में शोभा सियासियात के अब्दुल रजाक और नूर मोहम्मद मियाँ, शोभा अंग्रेज़ी के डॉक्टर सरवर मुर्शद और शोभा बंगाली के डॉक्टर अहमद शरीफ और डॉक्टर मुनीरुज़्ज़मान शामिल थे। किसी ज़माने में अब्दुल रजाक से मेरे करीबी ताल्लुकात थे, वो मुझसे काफ़ी सीनियर थे। जब मैंने 1938 में ढाका यूनिवर्सिटी से बहैसियत तालिब इल्म वाबस्तगी इख्तियार की तब अब्दुल रजाक लेक्चरर थे। वो मुस्लिम लीग के हामी थे और कायद आज़म के ज़बरदस्त मद्दा मिस्टर एम ए जिना हमारे दरमियान हम आहंगी की बुनियाद बन गए। हमने अब्दुल रजाक को मुस्लिम अलैदगी पसंदी के नज़रिए का सतून बना लिया। उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते से कहीं बढ़कर हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता परवान चढ़ा। वो एक अच्छे दोस्त थे जिन्हें कुदरत ने बहुत सी खूबियों से नवाजा था। वो कार्ड्स और शतरंज खेलने में खासी महारत रखते थे इसलिए उन्हें दोस्त भी आसानी से मिल जाते थे। लिबास के मामले में उनका अंदाज गैर रिवायती था और उन्हें मजीद नुमाया करता था। उनकी वजाकता और बात करने का अंदाज सभी कुछ उनके लिए मद्दा पैदा करने में मावन साबित होता रहता था। उनका मुताला वसी था और वो मुख्तलिफ मौजूआत पर बिला तकान बोलते थे और इसी खूबी ने हमें उनका गर्विदा कर रखा था। ये 1940 या 1941 की बात है जब मुस्लिम लीग के हामी तुलबा अपना तर्जुमान शाया करना चाहते थे तो इसके एडवाइजरी बोर्ड में अब्दुल रजाक भी शामिल थे। हमारे इस जरीदे का नाम पाकिस्तान था। अब्दुल रजाक कभी कभी हमारे लिए लिखते भी थे। वैसे उनके मशवरे और इखलाकी और नफसियाती हिमायत हमारे लिए उनकी तहरीरों से ज़्यादा अहम थी। 1943 में एक जुनूनी हिंदू ने इस 15 रोज़ा के मैनेजर नज़ीर अहमद को शहीद कर दिया था। तब अब्दुल रजाक ने खसूसी शुमारे के लिए एक दिल गुदास तहरीर कलम बंद की थी। 1950 में जब वो इंग्लैंड से वापस आए तब मैंने उनके रवैये में तब्दीली महसूस की। फिर मैं खुद भी 1952 में PhD के सिलसिले में यूरोप चला गया और 2 साल बाद वापस आया। उस दौरान मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि अब्दुल रजाक की सोच और रवैये में किस हद तक तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे सासी नज़रियात में तब्दीली आती रही, अलबत्ता हमारी दोस्ती बरकरार रही। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान एक दिन अब्दुल रजाक मेरे पास आए और मुझे बंगाली कौम परस्ती और अलहदगी की जानिब माइल करने की कोशिश की। उनका इस्तदलाल ये था
कि पाकिस्तान अपने क्याम के मकासद में नाकाम हो चुका है, मगर भी पाकिस्तान के कायदीन बिलखसूस अयूब खान और उनके रुफका ने बंगालियों का पाकिस्तान के साथ मिलकर रहना नामुमकिन बना दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम बंगाली मुसलमानों के पास यही रास्ता बचा था कि वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान से अलीहदगी के लिए काम करें और अपनी रियासत तश्कील दें। मैंने जवाबन कहा कि महज 17 साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान को सजाए मौत सुनाना किसी भी एतबार से करीन इंसाफ नहीं। उन्हें याद दिलाया कि बरतानवी राज के दौरान 200 बरसों में मुतहिदा भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात और तलखी के इलाज के लिए ही पाकिस्तान बनाने का फैसला किया गया था। फिर हम ये भी भूल गए थे कि बरसगीर में मुसलमानों के 700 साल अहद इकतदार में भी दोनों अकवाम मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान वाज़े इख्तलाफात रुनुमा होते रहे थे। अगर ये फ़र्ज़ भी कर लिया जाता कि पंजाबियों के बारे में उनके तमाम दलाइल दुरुस्त थे और ये भी कि मशरकी पाकिस्तान के अवाम से रवा रखी जाने वाली नाइंसाफियों से मुतल्लिक उनके तमाम आदाद व शुमार भी दुरुस्त थे, तब भी कोई शख्स 200 साल की तारीख को 17 साल के तजर्बे पर क्यों का निछावर कर सकता था। मैंने इस नुक्ते पर जोर दिया कि पाकिस्तान को नाकाम करार देने से कबल उसे काम करने के लिए कुछ वक्त तो दिया जाए। ये आखिरी मौका था जब अब्दुल रजाक और मैंने खुलकर तबादला ख्याल किया था। 1.5 साल बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते। जाहिर है कि उनके तर्ज अमल से मुझे शदीद दुख पहुंचा। मेरे तो ख्वाबो ख्याल में भी ये बात ना थी कि सियासी इख्तलाफ को अब्दुल रजाक हमारे जाती ताल्लुकात पर असरअंदाज होने देंगे। इस सूरत हाल को मैं जिस हद तक बर्दाश्त कर सकता था मैंने किया। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में काम करते थे, ऐसा मुमकिन ही ना था कि हमारा आमना सामना ना हो। मैंने महसूस किया कि जब भी हम साथ होते तो वो मुझे गलत साबित करने पर पूरी कुव्वत सर्फ कर देते थे। आर्मी क्रैक टाउन के बाद मैंने सुना कि अब्दुल रजाक रूपोश हो गए हैं। 1971 में जब मेरी खिदमात राजशाही यूनिवर्सिटी से ढाका यूनिवर्सिटी मुंतकिल की जा रही थी तब भी अब्दुल रजाक रूपोश ही थे। मैं आज भी ये सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ कि अब्दुल रजाक अपनी ही तहकीक क्यों कर भूल गए। उस तहकीक ही की बुनियाद पर तो कुछ अरसे पहले उन्होंने एक दिन मुझसे कहा था कि वो मुतहिदा हिंदुस्तान में रहने पर मुस्लिम मलायत के हाथों सर कलम कर दिए जाने को तरजीह देंगे। शेक्सपियर ने कहा था कि सड़े हुए फूल कांटों से ज़्यादा बदबूदार होते हैं। ये बात मुझे उस वक्त दुरुस्त मालूम हुई जब 1973 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब्दुल रजाक को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा। ये डिग्री पाकिस्तान तोड़ने के सिलसिले में उनकी कोशिशों के एतराफ़ के तौर पर दी गई थी। किस कदर हैरत अंगेज़ क्लाइमैक्स था। ये अब्दुल रजाक को डॉक्टरेट की डिग्री देने के लिए जो तकरीब मुनक्किद की गई इसी में मशहूर आर्टिस्ट ज़ैनुल आबिदीन को भी डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी गई। अब्दुल रजाक ने जब रूपोशी तर की उसके कुछ ही दिन बाद मैंने सुना कि मेरे कज़न कमरुल एहसन को भी ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। उनकी रिहाई से मुझे एक गुना राहत महसूस हुई। अब कम अज़ कम कोई पढ़ा लिखा और पुख्ता उम्र का इंसान तो था जो मेरे घर वालों के लिए सहारा साबित हो सकता था। जब मुक्ति बाहिनी की जानिब से हमलों का ख़तरा खट गया तो मेरे दूसरे कज़न मंजूरुल एहसन ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। ईद उल अज़हा नज़दीक आ रही थी। मुझे हस्पताल में दाखिल किए जाने के बाद ये पहला बड़ा त्यौहार था। हम उस वक्त जिन हालात से दो चार थे उनमें त्यौहार मनाने, नए कपड़े खरीदने और अच्छा खाना बनाने के बारे में सोचना भी दुश्वार था। ताहम मैंने फैसला किया कि ईद उल अज़हा की खुशी किसी ना किसी हद तक मनाई जाए ताकि बच्चों को हालात की नज़ाकत की तपिश ना पहुँचे। मेरी बेटियों की उम्रें 8 और 10 साल थी। उन्हें क्या अंदाज़ा होता कि हम किस अलमिये से दो चार हुए हैं। मेरी सोच ये थी कि जहाँ तक मुमकिन हो उन्हें सदमे से बचाने की कोशिश की जानी चाहिए।
ईद उल अज़हा मेरे लिए खासा अफसरदा दिन साबित हुआ। कुछ भी खाने या पीने को जी नहीं चाह रहा था। मैंने अपने और उन हज़ारों अफराद के मुकद्दर के बारे में सोचा जिन्हें मुक्ति बाहिनी ने हलाक कर दिया था या जो जेलों में सड़ रहे थे। मैं जिस कदर सोचता मेरा मलाल बढ़ता चला जा रहा था। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को फरवरी के अवाइल में दोबारा खोलने का ऐलान हो गया था। जब हॉस्टलों में रहने वाले तुलबा ढाका वापस आना शुरू हुए तो शहर का माहौल भी गर्म होता चला गया। मैं अस्पताल में अपने कैबिन में बढ़ती हुई गर्मी महसूस कर सकता था। लंबे बालों और घनी दाढ़ी वाले तुलबा के ग्रुप, जिनमें बहुत से मुक्ति बाहिनी में भी रहे होंगे, अब मेडिकल कॉलेज की राहदारियों में दिखाई देने लगे थे। मुझे अंदाज़ा हो गया था मेरे बारे में उनका रवैया खासा गैर दोस्ताना, मुखासमाना बल्कि जारहाना था। जिस डॉक्टर ने रोज़ाना नसफ घंटे के लिए नीचे की मंजिल पर जाकर एक्सरे ट्रीटमेंट लेने का मशवरा दिया था, उसका अब मुझे ये मशवरा था कि मैं कैबिन ही में रहूं, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। ये गालिबन 29 जनवरी की बात थी कि डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अब जबकि मैं चलने फिरने के काबिल हो गया हूं, तो वह मुझे डिस्चार्ज करना चाहता है। आला हुकाम की जानिब से उस पर खासा दबाव था कि मुझे जल्द अज जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाए, मगर वो इस मामले को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर टालता रहा था। अब दबाव हद से ज़्यादा बढ़ गया था। अब मैं चलने फिरने लगा था, इसलिए वो मुझे हस्पताल में मज़ीद रखने पर इसरार नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ तुलबा की वापसी पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मेरा रहना खतरे से खाली ना था। मेरे पास डॉक्टर के मशवरे पर अमल के सिवा कोई चारा ना था। मैंने अगले पीर तक रहने की इजाज़त चाही, मगर यह भी मुमकिन ना था। उसी दिन मेरा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बना दिया गया और मैं सेंट्रल जेल मुंतकिल होने की तैयारी में मसरूफ हो गया। पुलिस ने बताया कि मुझे रात के वक्त हस्पताल से जेल मुंतकिल किया जाएगा। मेरे अहले खाना मुझसे आखिरी बार मिलने आए, ताहम रात 9 बजे पुलिस अहलकारों ने बताया कि अभी तैयारी मुकम्मल नहीं हो सकी थी, इसलिए अब मुझे अगले दिन सुबह जेल भेजा जाएगा। मैं सारी रात सो ना सका, गो कि मैं एक कैदी था। लेकिन 20 दिसंबर 1971 से अस्पताल में जेरे इलाज था। उस दौरान वो तमाम सहूलतें मुयस्सर थीं जो एक मरीज़ को मिला करती हैं। मेरे अहले खाना रोज़ाना मुलाकात कर सकते थे। नाश्ते के सिवा खाना घर से आता था। अब मेरे लिए सही मानों में जेल की ज़िंदगी शुरू होने वाली थी, जिसका मुझे कुछ भी अंदाज़ा ना था। मैं रात भर सोने की कोशिश करता रहा, मगर ख्यालात जहन पर इस तरह सवार थे जैसे शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया हो। मैं एक पल के लिए भी नहीं सो सका। शदीद बेचैनी का आलम था। एक मौका पर कैबिन का माहौल इस कदर गर्म महसूस हुआ कि मैंने पंखा चला दिया, मगर इससे भी कोई फ़र्क ना पड़ा। रमना पुलिस पोस्ट के जिस सब इंस्पेक्टर के ज़िम्मे मुझे जेल मुंतकिल करने की ड्यूटी लगाई गई थी, वो 30 जनवरी को सुबह 8:30 बजे हाजिर हो गया। मैं जिस हाल में था उसी में रुखसत हो गया। शेव करने की जहमत भी गवारा ना की। जिस वैन में मुझे सवार किया गया उसे 109 नाजिमुद्दीन रोड से भी गुजरना था, जहां हमारा घर था। मेरी दरख्वास्त पर वैन को वहां चंद लम्हात के लिए रोक लिया गया ताकि अहले खाना मुझे अलविदा कह सकें। इस मौका पर मेरी हालत बहुत शिकस्ता थी।